मार्केटिंग और कारोबार अपने हाथ में लेना खाता, और उसके बाद भी जो कभी खर्चों को पैसे दे दिए, कभी नहीं देते। उससे पहले दो भाइयों को घर से अलग निकालना पड़ता इसी चीज़ में। वही शादी हो गई उनकी, उनसे शादी होने के बाद भी पैसे मांगते थे, वो कहते थे अब हम अलग हो गए, हम घर अपना देखेंगे। तो इस दौरान वो घर से बाहर निकाल क्या करते थे पापा? मशीन लग गई थी, तीन सारा काम उनके हाथ में था। अच्छा, वो फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में छह भाई हैं। अरे क्या मजबूरी थी उनका कत्ल करना पड़ा, कैसे किया? सर ये जो है बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे, मम्मी को भी मारते थे, उन सबों को जो है धमकी देते थे। उनका सामान, उनके पास सामान था, उन्हें डराते भी थे, अगर किसी का कुछ कहोगे मैं तुम्हें एक हाथ को मार। क्या सामान था? सामान था 15 का ही। घटना वाले दिन क्या हुआ था? घटना वाले दिन से एक दिन पहले लड़ाई हुई थी, उन्होंने मुझे पीटा था। उसके दौरान जब रात को सो गए, सोने के बाद मैंने ये देख लिया उन्होंने सामान कहाँ रखा तमंचा, और उसको मैंने जो है लगभग तकरीबन 3 बजे उठा, 2:30-3 बजे, और उसके बाद मैंने जब शेप खोली तो वो वहीं रखा था, मैंने उसको उठाया और सामान। तो कुछ कैमरे भी थे कि जो तमंचा रखते थे? नहीं नहीं नहीं, कहाँ से आया था तमंचा उनके पास? पता नहीं कहाँ से आया था, लेकिन हम हाल फिलहाल में दिखाया था। अच्छा, तुमने पहले भी कभी चलाई है गोली? क्या तो फिर एकदम जो तुमने गोली चलाई, क्या हाथ नहीं कांपे उस समय? तो तुमने अपने पिता का कत्ल किया है क्या, कुछ ना कुछ हुआ आपको? गलती हो गई बहुत बड़ी बस। तो घर में किसी को पता है? क्या दो भैया तो अलग रहते थे हमारे, और जो है तीन भैया मेरे साथ के जो है मशीन चला रहा था, और दो सो रहे थे अम्मी के साथ, अलग कमरे। गोली के बाद सुन कोई नहीं आया? गोली के बाद सुन के मैं तो गोली वहाँ पर नीचे में चला गया था, और फिर उठ गए थे। उठने के बाद पता नहीं मैं कैसे पड़ा क्या था। मैंने अपने बाप की हत्या कर दी थी, मैं अभी इसके जो पूछताछ में अभी तक ये प्रकाश में आया है कि इसके पिताजी, इसकी माँ को और ये 6 भाई हैं, इनको किसी प्रकार का कोई खर्चा पानी पैसे रुपए नहीं देता था, जिसके परिणाम स्वरूप इनके दो भाई अलग रहने लगे थे। जिस दिन घटना हुई है 1/2 की रात में, इनकी माँ ने कुछ पैसे का हिसाब मांगा, तो इनकी माँ को बुरी तरीके से मारा पीटा उसने, और इन लोगों को भी मारा पीटा, जिससे क्षुब्ध होकर इसने साकिब के सुबह मॉर्निंग में अपने पिताजी की इसने हत्या कर दी। सर इसमें कोई पहले भी आरोपी जेल में? इसमें मुख्य आरोपी यही है, साकिब है, और इसकी निशानदेही पर तमंचा भी बरामद कर दिया गया है, और आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कार्रवाई तो इसका कोई आपराधिक इतिहास वगैरह पिछला कोई एक नहीं? अभी तक इससे कोई पारिवारिक वो आपराधिक इतिहास नहीं, ये केवल अभी पहली बार जा रही। फादर को मारने का मोटिव सिर्फ ये था कि मतलब माता को खर्चा नहीं देता था? या माता को खर्चा नहीं देता था, साथ साथ में इसके 6 भाई थे, उनको भी तंग करता था, और किसी प्रकार के कोई पैसे रुपए नहीं देना, और साथ साथ में लोगों को भी ये अपना अलग अलग काम करते थे। कुल मिला के इनका यही है इनका मोटिव, उनकी माँ को भी परेशान करता था। तो इस भाई भी शामिल थे कोई? अभी तक विवेचनात्मक कार्रवाई में वहीं से कोई तथ्य प्रकाश में आया नहीं है, यही मुख्य रूप से आरोपी था। इसके जो बड़े भाई के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, और विवेचनात्मक कार्रवाई की।